हेलो बच्चों मैं अमित बैनर्जी आप सबका विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की अपना पहला वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों तो मैं आपसे कुछ बातें बता दूँ जैसे सबसे पहले मैंने आपसे बताया मेरा नाम अमित बैनर्जी है मैं आपको इकनॉमिक्स पढ़ाऊँगा और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा का मेरा मोटिव ये है कि आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो समझ में आएगा ये मुझे पता है बहुत अच्छे समझ में आएगा लेकिन मेरे बच्चों कुछ चीज़ें हमें और अच्छा करना है आपके और अच्छे मार्क्स के लिए तो वो मार्क्स कैसे आएंगे वो मार्क्स मेरे साथ साथ सिर्फ आप समझते चलोगे आप बोलोगे हाँ सर क्या बात है मुझे समझ में आ गया क्या होता है इकोनॉमिक्स मुझे समझ में आ गया क्या होता है अगली टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है कंज्यूमर इक्लूबरियम क्या होता है डिमांड सब समझ में आ गया लेकिन सर ने जब आपसे पूछा मैंने कि बेटा एक काम करो मैं आज एक असाइनमेंट दे रहा हूँ और इसको सॉल्व करो तो मेरे बच्चों जिन बच्चे ने उस असाइनमेंट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया वो तो बहुत बेहतरीन बात है बच्चे ने मेहनत किया जिसने नहीं किया तो फिर से सोचेगा कि क्यों नहीं हो पाया तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं आपको सबसे पहला काम ये करना है कि एक नोट्स कॉपी प्रॉपर मेंटेन करनी है हमारे साथ साथ हमारे वीडियो में उस नोट्स कॉपी में जैसे आपके पास स्टडी मटेरियल होगा बुक्स होंगे आप अपना एक प्रॉपर नोट्स कॉपी प्रिपेयर करो उसमें सारे नोट्स की डिटेल प्रॉपरली मेंटेन करो लिखो लर्न करो और अगर हमने कुछ समझाया कुछ पढ़ाया और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप हम अभी आपको वीडियो के एंड में एक नंबर देंगे जिस नंबर पे आप क्या करोगे हमें मैसेज करोगे और मैसेज करने के साथ साथ व्हाट्सएप में आप हमें मैसेज करना कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया या इस टॉपिक में मुझे ये प्रॉब्लम है ठीक है तो वो जैसे ही आपने अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाई हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे और थोड़ी सी आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे फिलहाल तो मेरी बात ध्यान रखना बच्चों आपको क्या करना है नोट्स प्रिपेयर करना है और अपने डाउट हमसे रेगुलरली पूछते रहना है तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर जिसका ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक है तो अब इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज होती है जो हम लोग economics में पढ़ते हैं वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक्स के बहुत से विंग होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स कई पार्ट होते हैं लेकिन फिलहाल हम लोग ब्रॉडली अगर डिवाइड करने की बात करें तो हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहला पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बताओ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि तुम शब्द पा रहे हो माइक्रो क्या पा रहे हो माइक्रो और इसमें क्या मिल रहा है मैक्रो तो एक चीज समझना माइक्रो मतलब क्या हो गया छोटा माइक्रो मतलब क्या हो गया छोटा मैक्रो मतलब क्या हुआ बड़ा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर मार्केट एंड सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी पर्टिकुलर ठीक है एक शब्द क्या मिला आपको पर्टिकुलर मार्केट एंड सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इट लुक्स एट इशू सच एज कंज्यूमर बिहेवियर इंडिविजुअल लेबर मार्केट एंड थ्योरी ऑफ फर्म तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात करता है किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करता है किसी पर्टिकुलर लेबर की बात करता है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है हर छोटी चीजों से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है डील करता है हर छोटी चीजों से फिर आ जाओ माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी इट लुक्स एट एग्रीगेट एग्रीगेट मतलब टोटल वेरिएबल्स एग्रीगेट डिमांड नेशनल आउटपुट एंड इन्फ्लेशन एटसेट्रा जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं किसी प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूं मैं किसी इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा हूं तो इंडिविजुअल फर्म क्या प्राइस डिसाइड करेगा ये क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है क्योंकि वो इंडिविजुअल कौन डील करता है इंडिविजुअल को डील करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन डील करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स को डील करता है ठीक है अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा आगे बढ़ो माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है हमने आपसे बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डील करता है यानी किसी इंडिविजुअल की फर्म किसी इंडिविजुअल फर्म की प्राइस क्या रखनी है उसका आउटपुट क्या रखना है वो हमारा क्या डिसाइड करेगा माइक्रो डिवाइड डिसाइड करेगा और मैक्रो क्या डिसाइड करेगा मैक्रो डिसाइड करेगा कि भाई अगर सब फर्म की कीमत बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है यानी कहीं परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ रही होगी डिमांड बढ़ रहा होगा कीमत बढ़ रही है अब कीमत बढ़ रही है कीमत के बढ़ने के साथ साथ एक दौर ऐसा आया जो इन्फ्लेशन का दौर हुआ आपकी इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन किसी पर्टिकुलर फर्म में नहीं होता इन्फ्लेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता इन्फ्लेशन क्या होता है इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी में होता है इन्फ्लेशन क्या होता है पूरी इकोनॉमी में होता है तो भाई इकोनॉमी छोटा है या पर्टिकुलर फर्म छोटी है जाहिर सी बात है पर्टिकुलर फर्म छोटी है और एक इकोनॉमी किसी देश की उससे बहुत बड़ी है तो भाई बड़े को कौन डील करेगा बड़े को डील करेगा मैक्रो कौन डील करेगा मैक्रो और छोटे को कौन डील करेगा माइक्रो तो यह बात ध्यान रखना अगर हम किसी कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड की बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिमांड कौन डील कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर फर्म जाहिर सी बात है छोटी सी बात है माइक्रो डील कर लेगा उसको लेकिन अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं कि भाई टोटल डिमांड इकोनॉमी है तो वो कौन डील करेगा जाहिर सी बात है बड़ा है बड़ा तो वो कौन डील करेगा वो डील करेगा मैक्रो कौन डील करेगा मैक्रो डील करेगा तो मेरे बच्चों मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और ये दोनों किसके पार्ट है इकोनॉमिक्स के पार्ट है दोनों किसके पार्ट है इकोनॉमिक्स के पार्ट है चलो आगे बढ़ते हैं एक कंपैरिजन करते हैं इन दोनों के बीच में कि क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कंपैरिजन क्या है जैसा कि मैंने सबसे पहला आपको बताया क्या बताया की बात होगी तो क्या होगी जीडीपी होगी ना भाई इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है वही तो जीडीपी है ना तो किसी इंडिविजुअल मार्केट को डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और होल इकोनॉमी को कौन डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है लाइक जीडीपी दूसरा क्या बोल रहा है दूसरा बोल रहा है इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड्स दूसरा क्या बोल रहा है इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड्स किसी एक प्राइस की कीमत और जनरल प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन को कौन डील कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है ठीक है इंडिविजुअल लेबर मार्केट इंडिविजुअल लेबर मार्केट कोई दो चार पांच कोई एक जगह कोई एक लोकेशन कोई एक चीज कुछ मार्केट कुछ लेबर वो क्या कौन डील कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट किसी नेशनल लेवल की कौन डील कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट दोनों कौन डील कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है फिर इसके बाद इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की बात क्या होती है बच्चे मैं आपसे बताऊं कि सिर्फ मेरी बात यहां पे नहीं हो रही है ठीक है मेरी बात भी हो सकती है या शायद मेरे जैसे कुछ दो दुछ चार दस और होंगे जिनकी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चॉइस अलग होगी जिनकी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चॉइस अलग होगी तो वो किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात हो रही है और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चॉइस कुछ लोगों की अलग है और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चॉइस पूरे देश में अलग है ठीक है तो इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल इकोनॉमी में जो डिमांड आपकी प्रोडक्ट की हो रही है तो वो क्या है एग्रीगेट डिमांड फिर क्या हो गया ये सप्लाई ऑफ गुड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स डील क्या कर रहा है सप्लाई ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी यानी आपकी इकोनॉमी में आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे आने वाले कुछ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कव तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कव मतलब क्या हो गया कि हम अपनी इकोनॉमी या अपने अगर सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो जो हमारी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो कौन करेगा प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी वो कौन कर रहा है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है कौन डील कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से आ रही है चलो तो फिलहाल पहली चीज़ आपको समझ में आ गई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और इन दोनों के बीच का कंपैरिजन पूछा जाएगा डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो और इसी कंपैरिजन से अगर आपको इसके बारे में लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हो ठीक है बहुत ठीक है चलो अगले टॉपिक में आते हैं बच्चों हम लोग अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब देखो हम इकोनॉमिक्स में दो चीजें पढ़ते हैं पहला पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूसरा पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमारा अगला चैप्टर है तो जाहिर सी बात है इसे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या करेंगे इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है अगले वीडियो में पढ़ेंगे अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में तो बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है देखो डेफिनेशन लिखने के लिए कुछ की पकड़ लो उन की को अगर आप समझ गए उन की को अगर आपने यूज किया उसके बेस में आप डेफिनेशन अपने से लिख सकते हो ठीक है तो प्रॉपरली मैं ये कहूंगा लर्न करना एक अलग चीज हो गई लेकिन जरूरत नहीं लर्न करने की अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आप उसको लिख सकते हो अपने से बस कुछ की ध्यान रखो तो की प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस देखो बच्चों मैं आपसे बताऊं कि मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती problem है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या स्कैरसिटी स्कैरसिटी का मतलब क्या हो गया कि हमारी कुछ चीजों की कमी स्कैरसिटी का मतलब क्या हो गया हमारी कमी किसकी कमी हमारे रिसोर्सेज की कमी किसकी कमी हमारे रिसोर्सेज की कमी एक तो हमारे पास रिसोर्सेज वैसे ही कम रहते हैं अच्छा अब रिसोर्सेज कम है हर इकनॉमी में रिसोर्सेज कम है कौन इकोनॉमी ऐसी है जो कहे कि नहीं हमारे पास बहुत सफिशेंट uh, मात्रा में हर चीज़ yeah. है कहीं पे हो सकता है लेबर कम हो कहीं पे हो सकता है कैपिटल कम हो ठीक है अब कैपिटल कम है या लेबर कम हो लेबर अगर कम है तो लेबर एक रिसोर्स है और जाहिर सी बात है उस लेबर के ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं उस लेबर के ऑल्टरनेटिव यूजेज यानी एक लेबर हॉस्पिटल में, में भी लग रहा है एक लेबर आपका किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी लग रहा है एक लेबर आपका किसी क्या कहते हैं ऑफिस में भी यूज़ हो रहा है ठीक है तो अब हर जगह पे लेबर का यूज हो रहा है लेबर तो क्या है सफिशियंट मात्रा में लेबर नहीं है या अगर कैपिटल की बात कर ले तो कैपिटल के भी यूजेस हमारे बहुत सारे हैं कई जगहों पे हमें ये हो सकता है प्रोडक्शन में यूज़ करना है हो सकता है मार्केटिंग में यूज़ करना है हो सकता है प्रमोशन में यूज़ करना है तो हम या हो सकता है हमारे रॉ मटेरियल में यूज करना है तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात हो रही है तो प्रॉब्लम इकोनॉमिक की क्या है स्कैसिटी कमी या इसे हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसी चॉइस की प्रॉब्लम कि भाई एक तो हमारे पास ऑलरेडी कम है फिर उसको हम एलोकेट कहां करें एक तो ऑलरेडी कम है फिर हम उसको एलोकेट कहां करें जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की तो और एक रिसोर्सेज हम मान लेते हैं मनी पैसा ठीक है अब पैसा अगर मैं अपने पास बोलूं तो मैं मंथ एंड में सोचूंगा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी पे करनी है फीस भी पे करने हैं उससे मुझे कुछ सेविंग भी करनी है तो जाहिर सी बात है अगर हम पैसे की बात करें तो पहले बात तो पैसा कम है पहली बात तो पैसा कम है मुझे लगता है कि मेरी जितनी ख्वाहिशें हैं उन सबको पूरा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है और अगर हैं और अगर है तो भी उसका क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी मुझे उसको एक से ज्यादा जगहों में यूज करना है तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट किस लिए है क्योंकि हमारी वॉन्ट अनलिमिटेड है ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है कमी क्यों हो रही है क्योंकि हमारी वांट अनलिमिटेड है मुझे गाड़ी भी चाहिए मुझे बाइक भी चाहिए मुझे नई गाड़ी चाहिए मुझे नई गाड़ी, गाड़ी मिल गई तो मुझे और अच्छी गाड़ी चाहिए ठीक है तो ये क्या है अनलिमिटेड वांट ठीक है तो अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ड्यू टू अनलिमिटेड वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेस क्या है लिमिटेड है यानी आपने तीन बातें समझी पहला समझा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ड्यू टू अनलिमिटेड वॉन्ट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर ऑल्टरनेटिव यूजेज एंड देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस पहली बात

कि भैया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ड्यू टू अनलिमिटेड वांट अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड रिसोर्सेज उनकी क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस है ठीक है बहुत ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ स्कॉसिटी ऑफ रिसोर्स अब भाई जब रिसोर्सेज कम है तो जाहिर सी बात है उस रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे स्कॉसिटी कहेंगे स्कॉर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिमांड फॉर देम यानी हमें जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा मेरे पास है नहीं क्योंकि मेरी जितनी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए ख्वाहिशें क्या है अनलिमिटेड है ख्वाहिशें क्या है वॉन्ट क्या है अनलिमिटेड है रिसोर्सेज कम है पैसे कम हैं पैसे हैं भी तो उस पैसे के ऑल्टरनेटिव यूज है यानी जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पैसा मैं अपनी किसी कार को खरीदने में ही लगा दूं मुझे सेविंग भी करनी है मुझे घर के खर्चे भी चलाने हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज है ठीक है समझ में आ गया तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है स्कैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू स्टिटी ठीक है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे स्कार की तो स्कैर क्या है कमी है जाहिर सी बात है कमी है तो स्कैरसिटी इन इकोनॉमी इज द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्स शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज यानी कि डिमांड रिसोर्सेज की जितनी ज़्यादा है वो पूरी नहीं पड़ रही है लेबर अगर हमें चाहिए सौ लेबर चाहिए तो मेरे पास इकनॉमी में साठ ही लेबर मिल पा रहे हैं कैपिटल अगर मुझे एक करोड़ का चाहिए तो मुझे सेवेंटी करोड़ सेवेंटी लैक्स ही मिल पा रहा है ठीक है तो स्कैरसिटी इन इकोनॉमी इज शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर स्केयर विथ द रिजल्ट दैट द इकोनॉमी कॉन्ट प्रोड्यूस ऑल दैट सोसाइटी नीड्स यानी जरूरी नहीं है कि आपको जो चाहिए वो आपको सब कुछ मिल रहा हो जो भी हमें जरूरत पड़ रही है या हमारी सोसाइटी को जरूरत हो या डिमांड हो फिर आगे बात करो ग्रेटर स्कैरसिटी हायर प्राइस कमी किसी चीज की जितनी ज्यादा होगी कीमत उसकी उतनी ज्यादा होगी जैसे हम बात करें तो पेट्रोल की या डायमंड्स की ठीक है जाहिर सी बात है हीरे महंगे इसलिए क्योंकि हीरे सब्जी की बाजार में बिकते नहीं है ठीक है तो हीरे क्यों महंगे हीरे इसलिए महंगे क्योंकि हीरे कम मिलते हैं पेट्रोल हमें कम मिलता है इसलिए पेट्रोल हमारा कीमत ज़्यादा है और जितना कम होता जाएगा इसका सप्लाई उसकी कीमत उतनी ही और ज़्यादा होती जाएगी ठीक है ठीक है फिर उसके बाद क्या है लेस स्कैसिटी लेस प्राइस यानी कमी जितनी कम होगी प्राइस भी उतनी कम होगी यानी जो चीज़ हमें इकोनॉमी में पर्याप्त मात्रा में मिल रही है जो हमें इकोनॉमी में पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो जाहिर सी बात अगर हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो उसकी कीमत भी कम होगी तो लेस स्कसिटी लेस प्राइस जैसे कि वाटर पानी हमें पर्याप्त मिलता है तो भैया पानी हमें सस्ता मिलता है तीसरी चीज़ और जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता वहाँ पानी महंगा मिलेगा ठीक है तीसरी चीज़ नो स्कॉर्सिटी नो प्राइस जिसकी कोई कमी नहीं है उसकी कोई कीमत भी नहीं है अगर कमी ज़्यादा है तो कीमत ज़्यादा है कमी कम है तो कीमत कम है कमी बिल्कुल भी नहीं है तो कीमत भी बिल्कुल भी नहीं है जैसे हम लोग हवा ले रहे हैं ब्रीथ के लिए तो वो पर्याप्त मात्रा में उसकी कोई कीमत भी नहीं है ठीक है तो एयर एयरवी ब्रीथ समझ में आ गई बात तो स्कॉर्ट सिटी आपको समझ में आ गया आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गया इकोनॉमिक्स के दो पार्ट समझ में आ गए आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आ गया अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉब बिकॉज क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं तो ये इसके तीन कारण हैं पहला कारण रिसोर्सेज आर लिमिटेड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस जैसा कि बच्चों मैं भी आपको टॉपिक इसका डेफिनेशन पीछे पढ़ा रहा था तो मैंने वहीं पे आपको तीन चार चीजों को आपसे कहा कि ये की टर्म्स पे ध्यान दो तो की टर्म्स क्या थे वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ठीक है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड देयर लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज ठीक है तो उन्हीं की टर्म पे हम क्या कर सकते हैं आगे की चीज़ें भी लिख सकते हैं आपसे पूछा गया कि भैया ये बताओ काय स्केसिटी है, है? क्यों कमी हो रही है तो कमी क्यों हो रही है पहली कमी हो रही है क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड पहला क्या बोलोगे रिसोर्सेज आर लिमिटेड दूसरा क्या बोलोगे वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड और तीसरा क्या बोलोगे आप रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं समझते हैं एक एक करके पहला क्या बोला गया वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड को डिफाइन करो तो क्या आपको सोचने की जरूरत है नहीं जरूरत है सोचने की भाई आपके पास एक मोबाइल है लेकिन क्या आप उससे अपने मोबाइल को अपडेट करना नहीं चाहते चाहते हो आप बोलते हो सर मज़ा नहीं आ रहा है कुछ और अच्छा मोबाइल लेना है आपके पास एक बाइक है लेकिन क्या आप बाइक को अपडेट करना नहीं चाहते आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल चाहते हैं एक से एक स्पोर्ट्स बाइक आ रही है मुझे वो स्पोर्ट्स बाइक खरीदनी है मैं आपसे बोलूंगा बच्चों ये बताओ कि आपके पास बाइक भी अपडेट करना है तो भाई ये बताओ कार अगर होंगी तो क्या कार को भी अपडेट करना है आप बोलोगे हाँ सर आजकल बहुत मॉडल एक से एक बढ़कर कार आ रही है तो उन कार को परचेज करनी है ठीक है तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया मुझे यह बताओ कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड अनलिमिटेड वॉन्ट्स वॉन्ट्स आर तो वांट्स आर तो अनलिमिटेड को डिफाइन करना है तो क्या यह आपको डिफाइन करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है पहली चीज दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड सबकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है दे आर नॉट ओनली अनलिमिटेड बट ऑल्सो ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय फास्ट पहली चीज़ तो एक तो हमारी डिमांड्स अनलिमिटेड है ही है हमारी नीड्स अनलिमिटेड है ही है और वो नीड्स के अनलिमिटेड होने के साथ ही साथ वो मल्टीपली बढ़ती जाती है ऐसा नहीं कि मुझे एक मोबाइल मिल गया तो मेरे बस मन भर गया कि भाई अब आगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए और चाहिए और ज़्यादा अच्छा चाहिए और बेहतर चाहिए ठीक है तो ये चीज़ें क्या है एक तो हमारी वांट अनलिमिटेड है और वो अनलिमिटेड वांट क्या होती है मल्टीपली बढ़ती जाती है अनलिमिटेड वॉन्ट क्या होती है मल्टीपली बढ़ती जाती है ठीक है तो पहली चीज आपको समझ में आ गई वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ठीक है अगला रिसोर्सेज आर लिमिटेड भाई वॉन्ट अनलिमिटेड है सही बात है लेकिन वॉन्ट के अनलिमिटेड होने के साथ ही साथ हमारे रिसोर्सेज क्या हैं लिमिटेड हैं तो द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैंड की बात करो तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इतनी जमीन नहीं है कि हम जितना प्रोड्यूस करना चाहे कर सके लिमिटेड जमीन है लेबर भी लिमिटेड है कैपिटल भी लिमिटेड है एंटरप्राइज आर द बेसिक स्केयर रिसोर्सेज दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन एवरी इकोनॉमी बिग और स्मॉल कोई भी बड़ी इकोनॉमी होगी वहां पर भी, भी कमी मिलेगी आपको रिसोर्सेज की कोई छोटी इकोनॉमी है वहां पर भी कमी मिलेगी रिसोर्सेज की डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड रिच और पुअर सम इकोनॉमीज़ इकनॉमीज हैव मोर ऑफ वन और टू रिसोर्स बट नॉट ऑल द रिसोर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैंड लेबर की बात करते हो तो हो लैंड लेबर कैपिटल हम तीन चीजें लेके चलते हैं ठीक है तो यार कोई कंट्री ऐसी होगी जो बहुत रिच कंट्री है उनके पास कैपिटल बहुत है उनके पास लैंड बहुत है लेकिन उनके पास लेबर नहीं है कोई कंट्री ऐसी है जिनके पास लेबर बहुत है लेबर uh, बहुत है और लैंड भी है पर्याप्त मात्रा में पर कैपिटल नहीं है किसी के पास कैपिटल तो है पर लैंड भी नहीं है और लेबर भी नहीं है ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं कि कैपिटल बहुत पैसे हैं पर ना वहाँ लेबर है और ना ही वहाँ पे ज़मीन है कि उसको प्रोड्यूस करने में लगाया जा सके फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिलेटिव मोर लेबर बट लेस कैपिटल हमारे यहाँ पे क्या है लेबर बहुत है पर्याप्त है लेकिन कैपिटल क्या है कंपेटिवली कम है एंड लैंड यूएस इकोनॉमी हैजिवली मोर लैंड बट लेस लेबर यूएस इकोनॉमी में क्या है लैंड बहुत है कैपिटल भी बहुत है लेकिन लेबर क्या है कम है नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज रिच इन ऑल द रिसोर्सेज कोई भी इकोनॉमी हमारे विश्व में ऐसी नहीं है जैसा कि मैंने आपसे अभी पहले बताया कि जिसमें क्या है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है सब कुछ है मेरे पास ऐसी कोई इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती अभी तक मेरे नॉलेज में अगर आपके नॉलेज में एग्जिस्ट करती है तो प्लीज हमें मैसेज करना थर्ड रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज रिसोर्सेज क्या हैं हैंटिव जैसे मैंने कहा एक्चुअली पैसे कम है प्लस उसके कई जगह पे यूज़ करने है. तो जनरली अ रिसोर्स हैज़ मेनी ऑल्टरनेटिव यूजेज वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री एक वर्कर की बात करते हैं हम लोग तो वर्कर को क्या करते हैं फैक्ट्री में भी लगाते हैं स्कूल में भी लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में भी लगाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं लाइक दिस नियरलीस है प्रॉब्लम इज दैट विच रिसोर्स शुड बी पुट टू विच यूज अब मेरे पास लेबर क्या है पर्याप्त है लेबर है अब लेबर होने की वजह से क्या मैं सारे के सारे जो भी हो रहे हैं सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं? नहीं क्या सब गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं नहीं क्या हर जगह पे जितने हॉस्पिटल में क्या फुल एम्प्लॉयड है नहीं अब कहने का मतलब क्या है हमें हर जगह पे क्या है लेबर को यूटिलाइज करना है और जहाँ पे भी हमें लेबर को यूटिलाइज करना है वो यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए वो यूटिलाइजेशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए कि भाई हमने लेबर को यूटिलाइज किया किसी एक फैक्टर में ठीक है और जरूरी नहीं कि वो किस फैक्टर में यूज किया जा सके आपको करना है आपको ऑफिस में भी करना है हॉस्पिटल में भी करना है और आपको और भी जगहों पे भी करना है तो लेबर है पर लगाया कहां जाए ये सोचना है तो मतलब क्या है रिसोर्सेज है पर उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं ठीक है थीके? चलो बच्चों फिर नेक्स्ट कहानी क्या है यह हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक है आपको तीन चीजें समझ में आ गई आपको पहले माइक्रो मैक्रो समझ में आ गया सेंट्रल प्रॉब्लम समझ में आ गया सॉरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको माइक्रो मैक्रो समझ में आ गया आप, आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आ गई अब देखो दो बातें हम लोग और कर लेते हैं पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक की और दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे एक बात बताता हूँ देखो अगर मैं बोलूँ कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वन अरब के आसपास ठीक है तो अगर हम कहें कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एक स्टैटिकल डेटा भी आपके पास है एक डेटा भी आपके पास है कि भाई इतनी है पॉपुलेशन ज्यादा है तो है ठीक है दूसरी चीज अगर मैं आपसे बोलूं भाई हम बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी है एक्स अमाउंट एक्स नंबर ऑफ पर्सन आर अनएम्प्लॉयड इन अवर इकोनॉमी ठीक है तो यह भी एक डेटा आपको मिल गया है तो है तो दो चीजें पहली बात है अब अगर दूसरी बात पे बात किया जाए डिस्कशन किया जाए कि सर ये बताइए अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा है लेकिन कम होनी चाहिए कम होनी चाहिए तो ठीक है अच्छी बात है कम होनी चाहिए ठीक है तीसरी चीज अगर आपसे बोला जाए कि भाई ऐसा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पर कंट्रोल होना चाहिए तो सही बात है कंट्रोल होना चाहिए तो दो बातें आ, आ रही है एक आ रही है वॉट इज वॉट शुड बी एक आ रही है वॉट इज वॉट शुड बी तो वॉट इज अगर मैं बोलूं हमारे इंडिया में कोई आ, इंडियन टीम में कोई बैट्समैन है जो कि थर्ड नंबर पे खेलने आ रहा है आप बोलो नहीं सर उसको थर्ड नंबर पे खेलने आ रहा है आ रहा है और नहीं सर उसे मुझे लगता है कि ओपनिंग में आना चाहिए और जो ओपनिंग में, एक एक तो में आ रहा है उसको थर्ड नंबर पे आना चाहिए मेरा कोई एडवाइस नहीं है मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है तो जो ओपनिंग में आ रहा है उसको थर्ड नंबर पर आना चाहिए जो थर्ड नंबर पर आ रहा है उसको ओपनिंग में आना चाहिए तो पहली चीज क्या है कोई एक बंदा है जो कि ओपनिंग में खेल रहा है और उसको थर्ड में आना चाहिए तो दो चीजें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कोई ओपनिंग में खेल रहा है ये तीनों क्या है ये तीनों फैक्ट हैं ये तीनों क्या है ये तीनों फैक्ट हैं तो जब आप फैक्ट से डील करते हो जब आपको कोई फैक्ट बताया जाता है उसके सपोर्टिंग में कोई डेटा दिया जाता है तो वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और मैंने आपसे बोला कि ओवर पॉपुलेशन है पर कंट्रोल होना चाहिए अनएंप्लॉयमेंट है पर कंट्रोल होना चाहिए

डिस्क्राइब्ड विथ स्ट्रेटिजिकल सपोर्ट देन वी कॉल इट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं हम उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं जब वो एक डेटा से सपोर्ट किया जाता है यानी एक फैक्ट आपको दिया जाता है ठीक है जैसे किसी बच्चे के परसेंटेज आए 86 परसेंट आया इकोनॉमिक्स में 86 मिला अकाउंट्स uh, में 67 मिला या ऐसे किसी सब्जेक्ट में कोई मार्क्स मिला मार्क्स मिला जो है दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो मिला वो पॉजिटिव है होना चाहिए और अच्छे होने चाहिए तो और अच्छे होने चाहिए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी जहां पे आपको एडवाइस किया गया वो नॉर्मेटिव हो गया और जो फैक्ट है वो पॉजिटिव हो गया ठीक है तो बिल्कुल ठीक है डिस्क्राइब विद स्टैटिकल सपोर्ट देन वी कॉल इट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू द फिनोमिना ऑफ वॉट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है वॉट इज मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा वॉट इज ठीक है फिर आगे बात करो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या है डील्स विद द इशू ऑफ वॉट ऑट टू बी क्या होना चाहिए तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कम होनी चाहिए पॉपुलेशन ज्यादा है कम होनी चाहिए मार्क्स ठीक है पर और अच्छे होने चाहिए ठीक है तो अब क्या हो गया नॉमेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इशू ऑफ वॉट ऑट टू बी नॉमेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ जजमेंट एंड डिबेट होना चाहिए तो एक शब्द ही ऐसा है जो कि हमारे डिबेट का मसला है पॉपुलेशन कम होनी चाहिए प्लेयर को थर्ड नंबर पे खेलना चाहिए ठीक है उसने ऐसे नहीं मारा इस उसकी शॉट ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए तो ये तो डिबेट का मसला ही है जजमेंट एंड डिबेट विच आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट सम कंक्लूजन और ये डिबेट क्यों है इसलिए कि जिससे हम कंक्लूड कर सके कि हाँ फाइनली ये बताओ कि क्या होना चाहिए प्लेयर को फर्स्ट नंबर पर ही खेलना चाहिए कि थर्ड पर आना चाहिए तो अगर आना चाहिए तो हमने चर्चा किया फाइनली कंक्लूड कर दिया कि हाँ फाइनली वो ठीक है ओपनिंग में खेलना है सही है ओपनिंग में खेलने दो पॉपुलेशन ज्यादा है नहीं बहुत गलत बात है भैया पॉपुलेशन कम करो ठीक है अब डिबेट विच आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट सम कंक्लूजन इशूज रिलेटेड टू फार्मिंग पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी मोस्टली कम्स अंडर इकोनॉमिक्स यानी हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए वो किसका है इन पार्ट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का तो मेरे बच्चों आज की लेक्चर आपको समझ में आई होगी हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी डिस्कस करेंगे आपका आज हमने क्या पढ़ा माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस कंपेरिजन दूसरा क्या पढ़ा हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीसरा हमने क्या पढ़ा पॉजिटिव और नॉमेटिव इकोनॉमिक्स ठीक है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी चलो तो फिर मैं आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूं मेरे बच्चों आपने पूछा था या पूछा होगा या आप सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था कि वो मोबाइल नंबर बताएंगे जिसमें प्रॉब्लम या क्वेरीज पूछ सेंड करनी है तो वो मोबाइल नंबर कौन सा है वो मोबाइल नंबर हमारा जस्ट नेक्स्ट मोबाइल नंबर आपके सामने है आपको जो भी प्रॉब्लम है पहली चीज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो एक बार दो बार देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा नहीं आता है बच्चे आप हमारे नंबर में हमें मैसेज या क्वेरी सेंड कर सकते हो तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी फिर मिलेंगे तब तक आप इसको देखते रहो और समझते रहो थैंक यू बेटा